विचार कर जाता परस्मिन इति किमर्थम, अच्छा किमर्थम विचार हो गया, अच्छा जरूरी है सिद्ध कर दिया। अब तो परस्मिन शब्द का क्या प्रयोजन है वो बताइए। अतः परस्मिन किमर्थम, अतः युवजान ही द्विपदिका वैयाग्रपद्य आदि ध्ये, इन दृष्टांतों की सिद्धि के लिए परस्मिन कहना अति जरूरी है, अति आवश्यक है। युवजानी वधू जानी रीति, ये रूप है या पहले जाया शब्द बनता है आपको उणादि सूत्र से। उणादि सूत्र कौन है? जाया शब्द बनाने वाला जनेर यक, जनेर यक सूत्र से बनता आत्वादि कार्य होकर के जाया, यादि प्रत्यवृत्ति ये विभाषा आत्व कर देगा, जा य स्त्रीत्वक्ष में जाया बना, उसके बाद आपको ये सूत्र लगनी है। यहाँ पर युवा जा युवा जाया अस्य, युवा मैंने ऐसे वधु जाया अस्य ऐसे करके बना के युवा जानी वधु जानी में सूत्र कौन है यहाँ? जाया या निंग, यह सूत्र दे दिया है, जाया या निंग सूत्र है। अपर निमित्त का यह अपर निमित्तक, यदि आप परस्मिन न कहते अपर निमित्तक में भी स्थानित हो जाता, फिर रूप नहीं बन पाएगा। क्या हुआ क्या प्रक्रिया? तस्य स्थानिवद्भावाद वली इति यलोपो न प्राप्त होती, लोपो और वली से यलोप प्राप्त नहीं होगा, जाई नहीं बनेगा। जाया है ना, निंग है, निंग के परते क्या किया अपने आ का लोप पहले किया, आ का लोप करने के बाद में य का भी लोप कर दिया लोपो और वली से, वल्ल नकार निंग का नकार जो है नी है, तो यकार के लोप करते वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यों जहाँ आपने आलोप किया है उसको हम स्थानित भाव कर देंगे, स्थानित भाव करने के बलादि प्रतिपर में नहीं मिलेगा। या अब आप कहे तब यहाँ परस्मिन कह दो, अच्छा परस्मिन पूर्व विधो पर निमित्तक अजादेश कार्य है तो स्थानित भाव होगा, और अब निमित्त भिन्न भिन्न हो जाएंगे कहेंगे, नहीं तो असित वात्रा भी लाएगा तो कहने निमित्त भिन्न भिन्न है दोनों का ही। आलोप का निमित्त अलग है, यह लोप का निमित्त अलग है। आलोप के प्रति चाहिए आपको कौन सूत्र? गित 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 आतलोप टीचर, वो गित निमित्तक है, वलादि में जरूरत नहीं उसको, वलादि निमित्तक नहीं है, और लोप वाली वलादि निमित्तक है, इसको गित गित की जरूरत नहीं है। भिन्न निमित्तकत्वात् यहाँ पर कार्य में सनद्भाव नहीं होगा, यह परस्मिन कहने का लाभ होगा। परस्मिन इति वचनात् भवति, स्वयं बता रहे देखिए, अव्युत्पन्नत्वाद् गुणादिना जा शब्दस्य आकार लोपो न भवति, अव्युत्पन्न होने के नाते जा शब्द के आकार का लोप भी नहीं होगा, आकार लोपो न भवति। यह महाभाष्यकार ने गुणादियों को अव्युत्पन्न कहा है, यही आएगा अभी 160 में, यह अभी पढ़ रहे जो इसके बाद में आने दो तीन सूत्र के बाद आएगा। जा शब्द से आकार लोप न भवति, नहीं तो आप कह सकते ना जानी में युवा जानी बनाया, पहले आकार का लोप किया फिर यह का लोप किया फिर आकार लोप करना चाहिए, आकार लोप दो बार लगा दो लक्ष्य वेदा, तब कहते कि नहीं नहीं दो बार आकार लोप नहीं हो पाएगा। क्यों? वो जो आकार हुआ है उसे निमित्त कौन था? यह प्रत्यय जो लोप हो गया है अभिन्न निमित्त तक यहाँ पर भी हो गया, आकार हुआ यह से और वो जो आलोप हुआ है न इंगित से भिन्न निमित्तक हो जा रहा है सारे, ये बताएंगे देखिए। अन्यथा आकार से निंगी कृते य लोपे च निंग स्थानोद्भावात प्रत्यत्वाद आकार लोप स्यात्। यदि आप इस बात को अव्युत्पन्न पक्ष मान करके जय शब्द आकार लोप नहीं स्वीकार कर देते हो तब क्या होगा? स्थानोद्भावात प्रत्यय होने के नाते आकार का लोप होने लगेगा। तब यदि आपको हक को कहा न च असिद्धवदत्राभादिति आकार लोपे कर्तव्ये असिद्धत्व मात्वस्य, कि अभिय कार्य ये विभाषा सूत्र जो है अविभागी आव्य जो है आत्मचक्य जन धातु को ये विभाषा ने वो अभिय कार्य है इसे वो असिद्ध है। यदि कोई कहे कहते ऐसा तुम नहीं कह सकते हो, असली जवाब वो नहीं है, असली जवाब क्या है आगे दिया व्याश्रयत्वात्, क्योंकि अभिय कार्य असिद्ध कब माना जाता है? जो समानाश्रय कार्य कर्तव्य, समानाश्रय कार्य कर्तव्य में ही अभिय कार्य असिद्ध होता है, और यह व्याश्रय है भिन्न भिन्न आश्रय है कि जन धातु ने ये विभाषित के द्वारा आत्व यादि प्रति परिवर्तित किया था, और जो निंग का गित्व निमित्त का अपने आकार का लोप है, दोनों का दोनों कार्य आलोप रूपा कार्य और आकार आदेश रूपा जो कार्य हुआ है दोनों के निमित्त भिन्न भिन्न समान निमित्त नहीं रहा, अतः असिद्ध तर्वत लगे कहीं नहीं। इसे सही जवाब यहाँ पर है व्याश्रयात अप्राप्ति का नहीं ठीक है।
नहीं तो दस्ती प्रयोजन, तो पूर्व पक्षी कहता है इस प्रयोजन के लिए परस्मिन ग्रहण करने की कोई जरूरत इस सूत्र में नहीं है। क्यों? स्वाश्रय मात्र वल्तव भविष्यति। अरे वल्त को हम अतिथि से लाने की जरूरत ही नहीं, स्वाश्रय वल्त है ना, वल्त जो निंग है, निंग का नी है, उसे वल्त तो अपने आप में है ही, स्वतः सिद्ध है, स्थानित भाषा में लाने की जरूरत नहीं है। आप करें हम आलोप कर देंगे, स्थानित भाव कर दोगे तो वल्त नहीं रह जाएगा, ऐसे कैसे करो? तो स्वाश्रय धर्म है, अपने पहले ही बोला है स्थानीय धर्म जो आता है अतिदेश से वह आश्रय धर्म को, स्वगत धर्म को नष्ट नहीं करता। और न कह वलादि है, उसका अपना धर्म है, जब उसको लेकर लोप क्यों नहीं करोगे? यह को यह लोप हो ही जाएगा। वल्तम भविष्यति अथवा इसे दूसरी जवाब जो वहां भी दिया था, यो अत्र आदेशो नाशवाश्रिते यश्च आश्रिते नाशवादेश। यहाँ पर आदेश क्या हुआ है? निंग, जो निंग हुआ है वहां, वह निंग जो प्रत्यय आया है उसको आश्रय करके आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आप यलोप कार्य कैसे कर रहे हैं? वल्त को लेकर रहे हैं, और निंग वल नहीं है, निंग का अवयव नकार वल भले ही है, निंग समुदाय में वल्त धर्म नहीं है। अब समुदाय पक्ष जैसा पहले भी समुदाय पक्ष को ही लिया, वहां भी समुदाय पक्ष को लेकर के जवाब है, समुदाय में वल्त धर्म न होने से उसको लेकर के लोग प्राप्ति नहीं होगा, ये कह रहे हैं। न सब आश्रय थे और यश्च आश्रय थे, और जिसको आप आश्रय कर रहे हो नकार मात्र को, अवयव को वल्त करके ग्रहण कर रहे हो, फिर वह न सब आदेश, वो आदेश ही नहीं। अतएव जो है यहाँ पर उस स्वाश्रय वल्त को लेकर के भी आप कार्य नहीं कर पाएंगे, इस स्थिति में प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। दूसरा अथवा से दूसरा जवाब दिया, पहला जवाब तो खंडन हो गया, नैश प्रयोजन करके खंडन किया, तब सिद्धांत के जवाब है। इस सिद्धांत के आधार पर कहेंगे वहाँ स्थानित भाव के बिना यह निषेध करने के लिए परस्मिन करना जरूरी हो गया। द्वितीय प्रयोजन को पालन कर रहे ईदन तरी प्रयोजन, इसको प्रयोजन मान लो फिर, द्विपदिका त्रिपदिका पाद से लोप अपर निमित्तक, पाद के जो लोप हुआ है वो अपर निमित्तक है, तस्य स्थानित भावात पद भाव न प्राप्त होती, और उसकी स्थानित भाव करके पद भाव प्राप्त नहीं हो रहा था, परस्मृति वचनात् भवती, परस्मिन यह कहने के कारण से लाभ हो गया, बन गया कार्य। व्यवहार क्या है यहाँ? द्वौ पादौ इति तैतार्थ समास है, चल समास हुआ, पाद शब्द से संख्या देर उन लोपश्च, इसे उन प्रत्यय हुआ और लोप भी कर दिया, उन करके लोप भी कर रहे हैं ना, वो मुख्य है। अब वो जो लोप हुआ है उन लोपों कार्य किया, और उन लोप जो कार्य वो कैसे हैं? परनिमित्तक कार्य है, तो परनिमित्तक कार्य है। अब यहाँ जो परस्मिन न कहे होते, अपरस्मिन निमित्तक में भी कार्य में प्राप्त होने लग जाता स्थानीय उद्भाव, तब दोष आएगा। परस्मृति सह विधाने परनिमित्तकत्व व्यवहार अभावादित्यर्थ, तो उद्योग था ये, क्यों हुआ क्या फिर? लोपकारी हुआ, वह जो लोपकारी का स्थानित भाव से क्या हो रहा, स्थानित भाव लोप और अपरिमित्त का, परिमित्त का नहीं है, पाद को पदादेश होता है, फिर पाद को पदादेश कौन सूत्र कर रहा है? पादपत, ये तो भसंज्ञा में पादपत है, छः चार का ये है, छः चार 130 ये दिया गया, तो वो जो पदादेश करेगा तभी तो बनेगा, द्विपदिका त्रिपदिका पाद को पदादेश कर देता है, तो वो जो आदेश हुआ है उसकी स्थानित भाव बात कर रहे हैं, पाद को पद आदेश हुआ उसको स्थान भाव करेंगे, जब पर निमित्तक आदेश हो, पहले अपने पाद के दकार के आकार का लोप करना पड़ेगा, उन प्रत्यय हुआ दकार के अलोप हो गया, पाद हल है उसको आपने पाद पद आदेश कर दिया, पाद को पद आदेश कर दिया, इसे क्या आपत्ति है आपको? स्थान भाव हो जाए पाद दिखाई दे तब पदी का रूप नहीं बनेगा ना, पदिका कैसे बना? आपने जो क्या है उन व उनको अकादेश हुआ, अक के अकार को इकार कब होता है? क्या सूत्र है वो? दिमाग शब्दावली शुरू का याद नहीं आ रहा है, प्रत्यस्तात्कादिदाप्यसुपः, प्रत्यस्तात्काद इदाप्यसुपः कहा कि नहीं कहा? यदि हम स्थान भाव कर दें तो क्या होगा? पाद पदांत मिल जाएगा, सुबंत मिलेगा, इकार नहीं हो पाएगा, अनिष्ट रूप बनेगा। इसीलिए परस्मिन निमित्त के कार्य करते हुए कह दो तो दोष दूर हो जाए, ये कहना है। ये तो भी नास्तिक प्रयोजन, पूर्व पक्ष कहता है इस प्रयोजन के लिए परस्मिन कहने की कोई जरूरत नहीं, उसके बिना भी काम चलेगा। क्यों? पुनर्लोप वचन सामर्थ्यात स्थानित भाव न भविष्यति, कि स्थान भाव तब भी नहीं होगा क्योंकि उस सूत्र में लोप ग्रहण क्यों किया। ये जो सूत्र था ना, कौन सूत्र था वो?
पादशत पादशतस्य संख्यादेर उन लोपश्च, ये जो सूत्र था यह लोपश्च पुनर्विधान क्यों किया, वह पुनर्विधान जो क्यों ज्ञापन कर रहा है, पहले कहाँ से आ रहा था लोपा, यस्य तिच से लोप प्राप्त था, यानी यस्य तिच, हाँ ये दिया ना नीचे, नीचे प्रदीप दे रहे, यस्य तिच से लोप हो ही रहा था, जब उसे लोप हो ही रहा था पुनः लोप विधान क्यों किया पाणिनि ने, ये ज्ञापन किया कि स्थानिक भाव न हो, इसीलिए सिद्ध से लोप न करके इस सूत्र से संयोग शिष्ट लोप का विधान कर दिया है, ये कह रहे हैं। यस्यति लोपे सिद्धे है ना प्रदीप में, यस्यति लोपे सिद्धे पादशति इत्यत्र पुनर्लोपवचन स्थानीयत्व निषेधार्थ, स्थान का निषेध करने के लिए पुनर्लोपवचने सति लुप्यते एव अकार कार्य नाश्रियत इत्यर्थः, यदि पुनर्लोपवचन के कारण से अकार का लोप होता ही है, इसे कार्य ना आश्रियते से किसी भी कार्य करने के लिए स्थानिक भाव का आश्रय नहीं किया जाता इत्यर्थः। इदं तर्हि प्रयोजनम्, अगला दृष्टांत लेता है फिर वैयाग्रपद्य, वैयाग्रपद्य यानी संख्या नब्बे पाद ही है इन संख्या व्यय नहीं है, उसको ले रहा है दृष्टांत। इदं तर्हि प्रयोजनम् वैयाग्रपद्य हो, यहाँ क्या हुआ इसे उद्योग देख लीजिए, यहाँ वैयाग्रपद्ये व्याघ्रस्य पादवस्येति बौर्यो पादस्य लोप हस्त्यादिपेति लोपे गर्गादित्वात् यही कृते पादपदिति पद्भावे नैवाभ्यामिति ऐच, ये प्रक्रिया हुई है नैवाभ्याम पदांताभ्यम पूर्वतुताभ्यम ऐच, ये सूत्र से। अब इस प्रक्रिया में देखिए पादक पद आदेश हुआ उसकी हम यदि स्थान भाव कर देते हैं वैयाग्रपद्य, तब क्या आपत्ति आएगा यहाँ पर, गर्गादिभ्य यही ननु छात्रा भी पुनर्वचन सामर्थ्यादेव न भविष्यति, हाँ वही है कि आपने सूत्र ने जो किया ना पादस्य लोप अहस्त्यादिभ्य सूत्र में आपने दोबारा पढ़ने में लोप ग्रहण किया ना, यहाँ भी ऐसी चीज से लोप हो रहा था वैयाग्र पाद आगे आगे गर्गादिभ्यो यही या है वैयाग्र पाद य दकार का कर लोप प्राप्त है ऐसी चीज से उसे लोप हो रहा था ना, उससे जब लोप हो रहा था आपने फिर भी अलग से यदि लोप होता लोप होने पर क्या हो जाएगा वैयाग्रपाद रहेगा व्याग्रपाद धन य आदि वृद्धि आदि ऐचाधिकारी हो गया वैयाग्रपद्य बनेगा, यहाँ पर पद को यदि स्थान भाव कर लेते हैं तो पाद करके हलन दिखेगा सुबंध दिखेगा, सुबंध दिखेगा क्या क्या नुकसान होगा उससे, जैसे भाई इतने हो रहा था यहाँ क्या नहीं होगा, यहाँ क्या दिक्कत है, भसंज्ञा नहीं रहेगा यहीं के पर तथित और जो भसंज्ञा की प्राप्ति है पाद को पद आदेशों के वो भसंज्ञा भंग हो जाएगा पदसंज्ञा हो जाएगा ना, यहाँ ये अनिष्ट प्राप्ति का कारण बनता है, इसे वो कहते हैं कि हमें क्या करना है स्थान को भंग कर दो, कैसे कहते अब लोप जो पुनः सूत्र में ग्रहण किया वो ज्ञापन करते हैं स्थानिक भाव नहीं होगा, कहते नचो ननो छात्रा भी पुनर्वचन सामर्थ्या देव न भविष्यति प्रदीपे नयस्यति लोपे सिद्धे पादस लोपिति पुनर्लोप वचनादित्यर्थः अस्ति ये अन्य पुनर्लोपवचने प्रयोजन, यदि सिद्धांत एक देशी बोलता है नहीं लोप का प्रयोजन दूसरा बता देंगे तो स्थानिक भाव का निषेध नहीं है वह उसे क्या पर नहीं हुआ किम यत्र भसंज्ञा न देखो आगे ना जहाँ भसंज्ञा नहीं है वहाँ उस लोप का लाभ हो जाएगा, कौन सूत्र का पादा पादे से लोप का सर लोप शब्द का पुनर्ग्रहण सामर्थ्य पुनर्विधान सामर्थ्य स्थानिक भाव का निषेध नहीं होगा कि लोप का फल जो जहाँ भसंज्ञा नहीं वहाँ लाभ है, कैसे कहा व्याघ्रपात शेनपात प्रतिमा के वचन ले लो जहाँ भसंज्ञा नहीं है उस जगह पर लाभ हो जाएगा, इतने भसंज्ञा न भवति तत्र लाभ, तब कहते ठीक है फिर उदाहरण छोड़ दो, उस उदाहरण में हम जो है प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पा रहे इस उदाहरण के द्वारा परस्पर ग्रहण करने का, अगला उदाहरण लेंगे इदम चापी उदाहरणम आदिध्ये आवेद्ये इति, इसको उदाहरण ले लो इकार से एकारो अपरनिमित्त कहा, यहाँ जो इट को एक हुआ ना टित आत्मिन पदराम टेरे, अब टेरे जो ई हुआ इट वही महिंद ई था वो परनिमित्तक थोड़ा एकार हुआ टितागण टेरे परनिमित्तक नहीं करता टित लकार स्थान में जो भी है उसको टी भाग को इत कर देता है ई को सीधे हो गया परनिमित्तक नहीं अपरनिमित्तक है ये, अब इसको भी स्थानीय भाव करेंगे तो क्या समस्या आएगी तस् स्थानीय उद्भावात ई वर्णयोर द्वितीय व्यय इति लोप प्राप्त, यदि उसको भी स्थानीय भाव कर देंगे तो लोप हो जाएगी ई वर्ण मिल जाए पर में ई वर्णयोर द्वितीय व्यय द्वितीय व्यय का यह को लोप हो जाता है ये लोप प्राप्ति हो जाती है,
अब समय परस्मिन न कह दो। अब ये जो परनिमित्त का जादेश नहीं है, अतएव संभव नहीं होगा। अरे ई कार नहीं मिलेगा पर में पूर्वी का लोप नहीं होता। आदिध्य इट ये कृतः लोप प्राप्त होती विकरणश्च, इट के हेतु करने के बाद में लोप प्राप्त होता है और विकरण प्रत्यय की प्राप्ति हो जाएगी। तथा नित्यत्वाद विकरण तस्य लोक, पहले विकरण हम विकरण प्रत्यय करेंगे, विकरण प्रत्यय उसको लुक कर देंगे। नित्य इसका ना अदाधिकरण का है ना, इसे शप होगा लुक हो जाएगा। एरने का चित न प्रवर्तित है, यानी एरने का से की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्वी लुगुप धात्व चंग पर निरास कुत्वेशु इति स्थानीयत्व निषेधात्, उसे स्थानीयत्व निषेध से यण की प्रवृत्ति नहीं होती। इसके लिए हमें कहना पड़ेगा परस्मिन कार्य कह दो, परनिमित्त का जो आदेश होगा और जो पूर्व में कोई कार्य करना हो या उसके स्थान में कार्य करना होगा तभी सदभाव होती है, ऐसे कहने ऐसा अनुभव नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आपने परस्मिन का प्रयोजन अंत विशिद कर ही दिया, लेकिन पूर्व विधो कहने की क्या जरूरत है? अच्छा पूर्व विधा विधि की मर्दा पूर्व विधो ये कहने की क्या जरूरत है? हे गौहो बाभ्रविया नहीं धेय, तीन दृष्टांत, पहले में दोष देगा, दूसरे में दोष देगा, तीसरे में प्रयोजन सिद्ध करेंगे। हे गौहो इति, हे गौर इति औकार परनिमित्तक, यहाँ जो औकार है वो परनिमित्तक है। कैसे परनिमित्तक हुआ? गो हाँ गोतोणी था, सरनाम से नित्योद्व करेगा ना, सरनाम स्थान में नित्योद्व करने का, नित्योद्व करने से गो गो औ वृद्धि हो जाएगा, औ बनेगा। ये जो परनिमित्त का जादेश है, गो धन सा गोधन सु सुग स है, इसे गोस कह दिया हमने, इसलिए गोस गोधन स है मैंने गोस हो गया, या स नित्य होने के नाते औ आदेश हुआ है, तो परनिमित्त का जादेश हुआ नहीं है, इसे संभव हो जाना है। संभव होगा तो क्या होगा? ओकारांत दिखेगा, ओकारांत दिखेगा तो हे संबोधन दिखाया, हे गो सुकलोक एंग रसा संबुद्धे या आपत्ति आज संभव करेगा तो। अब इसे के पूर्व विधो कह दो, आपत्ति नहीं होगा। असु कहाँ है? आज ऐसे पर में है, पूर्व में नहीं है। पूर्व में कार्य करना है तो स्थान होगा, पर में कार्य हो तो स्थान नहीं होगा। अपने स्थान में नहीं हुआ तो सुकलोक नहीं होगा, लाभ होगा। तस्य स्थानीयोद्भावात् एक रसा संबुद्ध रीति लोप प्राप्नोति पूर्विदो इति वचनात् न भवति। तब पूर्व पक्ष कहता है नैतदस्ति प्रयोजनम्, आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, आचार्य जी का प्रवृत्ति ज्ञापन कर रहा, एक रसा संबुद्धे सूत्र में एक ग्रहण करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ पर ज्ञापन कर दिया, स्थान जो नहीं होता। यदि सर्वत्र एक तो मिलेगा नहीं ना कहीं भी, ऐसा हरि को आपने हरे कर दिया, वहाँ ह्रस्वांत का लाभ आप दिखेंगे राम में, ह्रस्व का लाभ कहाँ हुआ? राम में, और हरे शंभो में एंग का लाभ दिखाना चाहते हो, यदि स्थानीय भविष्ट है पाणिनि जी को, फिर ये वो भी क्या हो जाएगा? स्थानीभूत ये वो ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्वांत लोप हो जाएगा ना, फिर एंग क्यों ग्रहण किया पाणिनि ने? एंग ग्रहण करने से ज्ञापन होता है ह्रस्व से अलग से एंग ग्रहण करने से, कि एंग जो संबुद्धि है उसको कभी स्थान भाव वो करके ह्रस्व प्रतीत नहीं होगा, अतः ह्रस्व निमित्त कार्य नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापन न संबुद्धि लोपे स्थान भाव भवती यदयम एंग रस संबुद्धि एंग ग्रहण करोती, जिसने उन्होंने अलग से एंग ग्रहण किया इस बात को ज्ञापन करता है। यदयम इति अग्नि वायो इति दृष्टान्त देखो, इसलिए इकार उकार की यदि स्थानीयत्वात् ह्रस्वादित्यवलोप सिद्ध, ह्रस्वा से सिद्ध हो जाएगा स्थान भाव करके, तो फिर खट्वे माले इत्यादि हल्क्याति पीति वहाँ से सिद्ध हो जाएगा। उन वेदंतों में स्थानीय भाव करोगे तो क्या होगा? खट्वे में माले, खट्वे माले ताप्ता, वो आप क्या दिखेगा? स्थान भाव कर ताप्तव आ जाएगा, आप तो आ जाएगा तो वो लग जाएगा सूत्र ह्रस्व आपका हल्किया भी दीर्घा सुस्य प्रथम उसे हो जाएगा। नेत्यादि नाम निजंदा विजंदा नाम यदि कोई बना ले, नी धातु है दीर्घिकारांत, नी प्राप्ण धातु है ना, नेत्यादि अंग लिया और उसे विच प्रत्यय कर दिया और उसका संबोधन बनेगा क्या? फिर हे ने हे लो बनेगा, वो तो उसका मूल तो रस नहीं है ना, सनत भाव वो तो दीर्घ है, इसलिए ग्रहण किया। यदि कोई कहे ऐसी जगह में चरितार्थ हो गया, व्यर्थ नहीं है। विजंता नाम ने लो इति कथम बोल रहे हैं ना, गुण तो कर रहे कोई दूसरे सूत्र से कर रहा है। यदि यदि भी नीचे देखो टिप्पण दिया छांदस प्रयोग है, ये नीचे दे रहे छह नंबर बोल रहे हैं कि विच प्रत्यंत इसलिए का कि विच प्रत्यय होता ही छंद में, विच छंदो विषयत्व छंदसी,
और छंद से क्या है, दृष्टान्त विधि होती है, वहाँ तो दृष्टान्त विधि है, वहाँ तो कोई नियम है ही नहीं, इसलिए ये भी उस पूर्व पक्ष कहना ठीक नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को ये दृष्टान्त नहीं दे सकते, नेलो इति कथम संबंधी लोप इति चेत नहीं दे व्यविच दृश्यत है, लोक में तो इनसे विच प्रत्यय हो नहीं सकता और वेद में संबंधि लोप करने के सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, इसे दृष्टान्त नहीं बनता है। अतः एक ग्रहण करना व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है, यहाँ पर संबुद्धि स्थान उद्भव नहीं होता। तो नहीं तो दस्ती ज्ञापक भाई कह रहा है प्रयोजन साधक भाषा कह रहा है, सिद्धांति बोलता है नहीं तो दस्ती ज्ञापक एक ग्रहण करना फिर भी ज्ञापक नहीं है कि गो अर्थम एत स्यात, वो गो शब्द के लिए, वो गो शब्द के लिए ग्रहण किया है। कहते गो शब्द के लिए कैसे ग्रहण कर दिया, अनिष्ट लोप सिद्ध्यर्थम एव तत् स्थानीयोद्भावेन एंग्त्वादिभावः, इसलिए स्थानीयोद्भाव से एंग्त्व प्राप्ति थी, स्थानीयोद्भाव से एंग्त्व प्राप्ति थी, उसे निवारण करने के लिए एंग ग्रहण किया है। पाठ एंग ग्रहण करने के कारण से वहाँ स्थानीयोद्भाव से प्राप्ति एंग्त्व को लेकर गो में लोप नहीं होता, इसे पूर्व विधि का भी प्रयोजन नहीं बन पाता है। यत्र प्रत्यार ग्रहण करोति इतरता ओ ह्रस्वादि त्यो ब्रूयात, तो पूर्व पक्षी कहता है यदि वो एक पद के लिए करना है, गो एक पद के लिए करना है, तो या तो सूत्र में गो ह्रस्वात बोलते या वो ह्रस्वात कहते, या तो गो ह्रस्वात बोलना चाहिए, वो ह्रस्वात बोल अधिक से अधिक, क्योंकि द्यो भी एक वदंत है ना, एक केवल गो कहें तो गड़बड़ होगा, द्यो एक ओकारांत लोक प्रसिद्ध शब्द है, इसे द्यो शब्द में अतिव्याप्ति कैसे दूर होगा, इसलिए ओ ह्रस्वात कह देते पाणिनि। एक प्रत्यय क्यों ग्रहण किया, इधरता ही ओ ह्रस्वादी ते ब्रूयात इति, द्वितीय प्रश्न पाता कहते ठीक है इदम तरी प्रयोजन, चलो वहाँ तुमने बचा दिया, लेकिन अन्य तरह दृष्टान देता है, इसलिए कहा बाभ्रवीया माधवीया वांतादेश पर निमित्त का तस् स्थान भावाद हलस्थित यलोपो न प्राप्नोति पूर्व विधावित वचनाद भवति। बाभ्रवीया माधवीया बभ्रू शब्द है और मधु शब्द है, बभ्रोरपत्यम मधुरपत्यम से यही प्रत्यय हुआ गर्गादि गण में लेकर के, यही होने के कारण से फिर और गुण हुआ बभ्रू और मधु, अवादेश हो गया वांति प्रत्यय से, क्या ये ध्यान रखना है वांति प्रत्यय से हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में क्या किया, तस्य इदम अर्थ में तस्य इमे बाभ्रवस्य इमे छात्रा, ऐसा ले लो बाभ्रवस्य छ प्रत्यय, ये हो गया बाब्रवीया बन रहा है, ये रूप बन रहा है। यहाँ पहले जो यकार था बाब्रव्य, यकार का लोप होता है, उस यकार का जो लोप हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, स्थान विवाह होगा तो कैसे, उस पर बोल रहे हैं वांतादेश पर निमित्त का, क्योंकि वांतादेश किया हमने बब्रु को ऊ को गुण हुआ और गुणा वांतिश का वांति प्रत्यय से, यही का यकार को लेकर के हमने वांतादेश किया था। और उसके बाद क्या हुआ, छ हुआ वहाँ पर, छ का ये बचा है ना, ये बचा उस ये के प्रत्यय यही यही प्रत्यय यकार का आकार पहले लोप कर दो, फिर यह का लोप हो गया हलस्तित्य हल है ना, वह वान था होता उससे पर में तथित यकार है, यही का यकार उससे पर में यह गई है, इसे हलस्तित्य से क्या होगा यकार का लोप हो जाएगा, यदि हम स्थानीय करेंगे यकार का लोप नहीं हो पाएगा, पूर्व विधव का करेंगे, इसलिए कहते हैं कि तस्य स्थानीय भावत हलस्थित यलोपो न प्राप्त होती, वो जो स्थान विभाग करने के कारण से यलोप की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि मैं वान को स्थान विभाग कर दूंगा तो क्या होगा, वो दिखेगा ना, वो होकर गुण होते नहीं, वो दिखेगा बब्रू को गुण होकर वो हुआ था, वो को अवादेश कर गया, इस वान को मैं स्थान विभाग करूंगा तो वो कारण दिखेगा, वो कारण हल नहीं है तो हलस्थित से नहीं लगेगा। इसलिए हम करें जब हम स्थान में कहा निषेध करूंगा, जब स्थानीभूत अच्छ से पूर्व में कार्य करना होगा, तो अब स्थानीभूत अच्छ कौन होगा मेरे लिए, आलोप जो ऐसे आकार का लोप हुआ, उस स्थानीय से पूर्व में यलोपात्मक कार्य है, उस यलोपात्मक कार्य के लिए आकाम वाले स्थानुद्भाव कर सकते हैं, लेकिन वांत का स्थानुद्भाव नहीं कर सकते, कि स्थानीय वांत करोगे तो यह कहाँ है पर में, और हम कहाँ कह रहे हैं पूर्व विधि के प्रति, अतः वांत को स्थान भाव नहीं हो गया। यदि पूर्व विधव न कहते फिर तो वांत को स्थान भाव हो जाता, पर कार्य जो यकार लोप है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दिखेगा हमको वह ओ दिखेगा, वह नहीं दिखेगा, हल नहीं दिखेगा, तस्य स्थाने भावात हलस्थित यलोपो न प्राप्त होती, क्योंकि पूर्व विधाविति वचनात् भवति, इन पूर्व विधव कहने के बाद आसानी से हो गया, वास्तव में हलस्थित रूप से यकार का लोप नहीं है,
हलस्तित से वास्तव रकार का लोप नहीं हो रहा है। लोप किससे हो रहा है? आपत्तिश्चितया नाथी, आपत्ति प्रत्यय ना, ये तो उससे होगा। इसमें हलस्त से लोप का अनुवृत्ति आएगा, यह का अनुवृत्ति आ जाएगा, वहां से चले आ रहा है तो वो अनुवृत्ति आग्रह उससे होगा वास्तव में। बाब्रविया सन्निपात परिभाषा नित्यत्वाद यह शब्द सन्निपात निमित्त वांत आदेशो यलोप निमित्ता प्रतिबद्धते। कोई कह सकता है यह सन्निपात परिभाषा क्यों नहीं लगा? यकार ही निमित्त वांत के लिए, और वांत ने क्या कर दिया? हल्त्वे ना यह का लोप कर दिया, हल्त्वात, तो सन्निपात परिभाषा लगना चाहिए ना यहाँ पर। अरे बात सही है, सन्निपात परिभाषा अनित्यत्वा, लेकिन परिभाषा अनित्य होने के नाते यह लागू नहीं किया गया। लक्ष्यानुरोधे ने उसको ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए यह शब्द सन्निपात निमित्त वांताशो यलोप निमित्तता प्रतिपदते, यलोप की निमित्त को प्राप्त कर ही देता है। ये तदपि नास्ति प्रयोजनम्। जब पूर्व पक्षी कहता है लेकिन इसकी व्यवस्था हम दूसरा देंगे, स्वाश्रय मात्र हल्तो भविष्यति, यहाँ तो स्थान भाव कर गया, वो तो लाना क्या है, आप स्थानीय अच्छ तो भले ही लाओ और हल्त नहीं ला सकते हो ना, वह का स्थानीय कौन है? वो आप स्थानीय कर तो अच्छ तो आएगा बोल रहे हो, हल्त नहीं रहेगा बोल रहे हो। अरे हल्त क्यों नहीं रहेगा? वह अपना स्वरूप तो ही क्या है ना, स्वाश्रय धर्म तो त्याग देने आपने ही कहा है, तो स्वाश्रय धर्म से कर देगा काम, वो संदेह हानिकारक कैसा रहा हमारे लिए? इसे स्वाश्रय मात्र हल्त भविष्यति, तब वही दूसरा जवाब फिर, अथवा योत्र आदेश नासवाश्रते यश्च आश्रते न असवादेश। यो असव आदेश हो, आदेश क्या था? अब उसको आश्रय होकर कार्य हम नहीं कर रहे, अब समुदाय हल नहीं है, जो अब समुदाय है वो हल नहीं है। इसे जो तुम आश्रय, जो आदेश है अब उसको आप आश्रय नहीं कर रहे, ये लोप के लिए, ये लोप के लिए आप क्या आश्रय कर रहे हैं? हल को, और अब हल नहीं है। और जो हम आश्रय कर रहे हैं वह मात्र हल को, वो आदेश नहीं है, वो आदेश अकेला अपने आप में आदेश नहीं है, ना सो आदेश है। इस तरह से उसका भी खंडन हो जाता है। इदम तरी प्रयोजन, फिर भी एक तीसरा प्रयोजन दिखा रहे, नहीं धेय निधि शब्द है, निधि पना कैसे? नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से, उपसर्गे घो की है ना, नी धा की कही है, धा का आलोप हो गया, धा का आलोप हो गया, निधि बना, उससे आपने क्या कर दिया? नई धेय बनाया, वो धिक ई का विलोप हो गया, नई धेय बन गया। अब यहां पर पूछना है आपने, भाई देखिए कि नई धेय जो रूप बना रहे हैं, आकार लोप परिनिमित्त, परिनिमित्त है ना आकार लोप, आदा लोपेटी कितवादा हो गया है, तस स्थानीय भावात, उसका स्थान भाव कर दूंगा तो निधि क्या हो जाएगा फिर? निधा ई, तीन अच हो जाएगा, नी धा ई तीन अच हो जाएगा, द्वज लक्षण जो ढक होना है वो नहीं होगा, त्रच हो जाएगा ना इसमें, तीन अच हो जाएगा। अरे द्वज लक्षण और ढक न प्राप्त, स्त्रीभ्य के अधिकार के अंतर्गत विद्यमान द्वज लक्षण जो ढक है वो नहीं हो पाएगा, पूर्व विधाविति वचनात् भवति, लेकिन पूर्व विधो कहने के बाद आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं जो ढक वो पर में हो रहा है, पूर्व विधि नहीं है। स्थानीय उदय से पूर्व में कोई कार्य करना हो तभी तो स्थानीय भाव होगा, या पूर्व विधो कहने के लाभ ये है या स्थानीय भाव होगा ही नहीं, अतः सब कार्य संपन्न हो जाता है। नहीं देती स्थानीय भावात त्रचकत्व उपदेशे सती, स्थानीय भाव अगर से क्या होगा? तीन अच दिखेगा, नी का ई है, धा का आ है और की का ई प्रत्यय बैठा हुआ है, लोप हो जाता है तो की का ई प्रत्यय मिला के निधि रह जाएगा, दो ही प्रत्यय रह जाता है, दो ही अच रहेगा। सती विरोधात स्वाश्रम द्वस्तम न लभते, स्वास द्वस्त नहीं रह जाएगा, यद अविरुद्धम स्वाश्रम तद अतिदेश न बाध्यते, और जो अविरुद्ध आश्रय का धर्म उसको अतिदेश के तौर कभी बाधा नहीं जाता है, विरुद्धं तो बाध्यते वृद्ध धर्म होता तो बात कर देते। संख्या कृतस्तु व्यपदेश परस्पर परिहारण लोक स्थित, और संख्याकृत जो व्यपदेश है द्वच त्रच इत्यादि परस्पर जो परिहार के द्वारा लोक में व्यवस्था दिया गया है, नहीं त्रिपुत्र द्विपुत्र व्यपदेश हम लभते, ये लोग है कभी द्विपुत्र वाले को त्रिपुत्र नहीं कहोगे, त्रिपुत्र वाले को द्विपुत्र नहीं कहोगे, नाराज हो जाएगा वो, और दो पुत्र वाले को तीन पुत्र वाले कहो तो गुस्सा हो जाए, मेरे क्यों होता है, मैं जब तीसरा थोड़ा पैदा किया है, मैंने पैदा ही नहीं किया तीसरा, और चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म कर रहे हो बोलेगा वो। आजकल नियम बन रहे हैं कि तीन बच्चा हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता, एक डजन वाले बच्चे वाले लड़ रहे हैं ना, तीन बच्चा जिसका है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसे यदि जिसका दो हो और आपने उसको तीन कहोगे तो नाराज नहीं होगा, उसके अधिकार छीन रहे हैं आप, और जो तीन है उसको दो कहो भी नाराज होगा, है मेरे एक बेटे को मार डाला आपने, हमारे तीन बेटे हैं दो कैसे कह रहे हो? लोग व्यवहार में जगह थे परस्पर हम बात नहीं सकते संख्याओं में,
इसे आप स्थानीय भाव करके कुछ तरीके से लाना जाओ, ध्वज चलाने की चेष्टा करो, नहीं हो सकता है दो त्रिगर्ष रोधर के कारण से, नहीं द्वीप त्रिपुत्र द्विपुत्र देशम लभती इत्यादि। यदि ठीक है फिर ऐसा करो आचा परस्मिन पूर्वस्य, इतना ही लिखो। ये विदिशत की क्या जरूरत है, पर निमित्त कजादेश होने पर उसके स्थान पर होता है, उस अर्थ से पूर्व के स्थान में कोई कार्य करना है तो ऐसा अर्थ ले लेते हैं, विधिशत की कोई जरूरत नहीं। अब विधिशत की प्रतिकृति आरंभ कर रहे हैं, अतः विधि ग्रहण किमर्थम सर्वविभक्त्यंत समास यथा विज्ञायेत, जैसे पहले कहा था जी यहाँ भी कहते सर्वविभक्त्यंत समास इष्ट है, पूर्वस्य विधि पूर्वस्माद विधि दोनों इष्ट है हमको यहाँ, मैंने अनेक विभक्ति को स्वरूप कहने का तात्पर्य है, पूर्वस्य विधि पूर्व विधि पुरस्मात विधि पूर्व विधि दोनों इष्ट है, कहानी पुनः पुरस्मात विधौ स्थानीयत्व से प्रयोजनानी, इन इसमें पूर्वस्य स्थित अनेक दृष्टान्त अपने पूर्व के स्थान में हो रहा है, इन पुरुष पर में कार्य होने वाला ऐसे कौन सा दृष्टान्त है, पुरुष पर का मतलब क्या उसी जगह पर होना, आदेश की जगह पर ही होना, ऐसे कौन सा दृष्टान्त है, प्रयोजनानी बेभिदिता चेच्छिदिता माथितिक अपीपचन, ये चार दृष्टान्त दे रहे हैं, इनमें से लेकिन अंत वाले ही मुख्य है, बाकी दो में वो दोष देगा। बेभिदिता चेच्छिदिता यदि अकार लोपे कृते यलोपे च एकाच लक्षण इट प्रच्छेद प्राप्त स्थानी भावाद न भवती थी। बेभिदिता क्या हुआ है, बेभिदिता में यंगंत धातु है, बेभिद्या बना, बेभिद्या बने के बाद आपने त्रिच कहा, त्रिच का त्री रहा, उसके वजह से अकार लोप हो गया, यकार लोप हो गया, इटो इट पर आप देना बेभिदिता रूप बन रहा है, अब यहाँ इट नहीं हो पाएगा यहाँ, क्यों एकाच नहीं रहेगा, एकाच उपदेश अनुदाता तो नहीं रहेगा, क्यों स्थानीभूत कौन है यहाँ, अकार लोप जो किया आपने त्रिच लाने के बाद में, पहले ऐसी अकार का लोप करोगे फिर यह का लोप करोगे यंग के आकार का, तो जब इस तरह से आपने जब लोप किया वो अकार लोपे कृत ये लोपे इच्छा जो ये अलग अलग कर रहे हैं, यंग समुदाय लोप नहीं है यहाँ पर, क्रम से लोप है, एक एक अवय लोप है, एकाज लक्षण प्रसिद्ध प्राप्त होती है, कैसे पहले क्या हो गया था बेभिद्य था धातु, एक धातु के एकाज गणना के लिए अभ्यास की गिनती ने कहा गया है, इसलिए भिद्य द्वचता ना द्वचता इसलिए ठो गया, एकाच उपदेश अनुदाता नहीं आ सकता है, एकाच उपदेश अनुदाता नहीं आ गया द्वच हो गया, अब इटाधिकारी होने कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ यदि आपने अलोप कर दिया, अलोप कर दिया एकाच हो गया, यदि हम स्थानीय भाव नहीं कहते पूर्व विधव नहीं कहते विधि शब्द ना होता तो क्या होता, यहाँ स्थानीय भाव हो जाएगा, स्थानीय भाव तो अनेकाश दिखेगा, अनेकाश तो इट प्राप्ति नहीं होगा, इष्ट क्या है इट करना, हाँ इट प्रतिषेध होगा ना, इट नहीं होगा, हम इट करना इष्ट है, द्वच करना इष्ट है, इसलिए हमको हमें इसको द्वच बनाए रखना है, द्वच बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्थानीय भाव करना पड़ेगा, स्वस्थान निमित्त कार्य है ना, असहित द्वच हो रहा है, असहित द्वच होकर के इट होगा, असहित मैंने अ को मिला करके अ के पूर्व में कार्य नहीं, यहाँ पर पूर्व से तो क्या होता पूर्व में कार्य करना होगा तो कहते, अब ये पूर्व में कोई कार्य हमने नहीं करना, स्वनिष्ठ कार्य है, द्वच तो कैसे आएगा, भी का ई और द के अ को लेकर के द्वच आएगा, द्वच आने पर इट होगा, इस स्थान पर करना यहाँ इष्ट है, और कैसे होगा जब लेकिन विधि कह करके पूर्व का से भी परम, पूर्व से न कह करके परस्मात, अपने ये क्या कहा आपने पूर्वस्मात पर विधि, पूर्वस्मात के अनुसार पंचमी आते पर आ गया, पूर्व में कौन है भी का ई, उसे पर में कौन हो जाएगा अ, अच्छी दृष्टि है ना यहाँ पर, केवल हमें अच्छा देखना है द्वच देखना है, तो पूर्व वाला ई था उससे पर पूर्वस्मात पर विधि कार्य द्वच निमित्त कार्य करने के लिए स्थान हो जाएगा, पर को पर अच्छु पहले द्वच इंपॉर्टेंट है ना, द्वच तो लाए भी नहीं होगा ही नहीं, पर कार्य करने के लिए बोलने से तो पर में होना वाला इत हो पर कार्य है, और मतलब ये नहीं 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 यहाँ नहीं, अब देख और इस स्थान से वो समझ में आएगी, उसी स्थान को लेना स्वस्थानिक कार्य, स्वस्थानिक कार्य क्या है आकार जिसके हम सन्भव कर रहे हैं, स्थानिक कार्य क्या है द्वचित्व कार्य, इतने हमें इष्ट है, द्वचित्व कार्य क्या है उपाद की बात, फिर इट होगा वो कहाँ होगा उपाद की बात आती है,
यहाँ वे आकार आकार लोपे कृते यलोपे च एकाच लक्षण प्रतिषेद प्राप्नोति थी स्थान भावत न भवते स्थान भाव से प्रतिषेद नहीं होगा मनिट हो जाएगा। बे भिद्धि शब्दात्रिच देखो स्पंजारे बे भिद्धि शब्द त्रिचुवा नित्यत्वात् अल्लोप यलोप नित्य और सब पहले कर देंगे हम तथा उसके बाद क्या होगा एकाच प्रतिषेद प्राप्त तब एकाच प्रतिषेद नहीं होगा बोल देता है। तब हमें क्या करें उपदेश ग्रहणं द्योरपी विशेषणम तब आप कह सकते हैं भाई उपदेश काल में एकाच एकादेश उपदेश अनुदात्तात् एकाच उपदेश अनुदात्तात् वो उपदेशे कान्वय कहाँ करेंगे एकाच के साथ या अनुदात्तात् के साथ या दोनों के साथ सिद्धांत क्या होगा दोनों के साथ जोड़ तभी दोष आएगा। यदि एकाच हो के साथ उपदेश काल में एकाच हो बाद में अनुदात हो या ना परवाह नहीं आपको अथवा उपदेश काल में अनुदात थे बाद में एकाच अनेकाच कोई फर्क नहीं पड़ता ये दोष ना आवे सके दोनों के साथ विशेषण करना वही करें उपदेश ग्रहणम द्वयोरपि विशेषणम क्यों उपदेश एकाच और उपदेश अनुदात होगा वही सूत्र लगता है। दिष्प्रयोगश्च दुर्वचनम और यहाँ जो द्वित हो गया है ना तो अनेकाच हो गया द्वित के बाद अभ्यास के कारण से ऐसा नहीं कहना द्वित होने का मतलब है यहाँ द्विर्वचन जो करने का मतलब है द्विप प्रयोग मात्र करना द्विप प्रयोग करने से मूलगत संख्या में जुड़ेगा नहीं वो आगे और स्पष्ट कर रहे हैं अल्लोप से स्थानीवत्वे व्यवधानात इट प्रतिषेदा भाव अल्लोप के हम स्थान भाव करेंगे तो क्या होगा स्थानीवत्व से व्यवधान आ गया व्यवधान आने से क्या हुआ इट का प्रतिषेद नहीं होगा व्यवधान आने का मतलब क्या द्वेच्छ हो जाना द्वेच्छ हो जाने से एकाच्छ नहीं रह जाएगा इट प्रतिषेद नहीं होगा। नीचे और स्पष्ट किया है परे तो एकाच उपदेश तस्तर एकाच द्वैती सूत्रभाष्य रीत्या उद्योत्कार गद्य सूत्रभाष्य रीति उसी के सूत्रभाष्य रीति से हम बता रहे बात मातिथिकी द्वितीय प्रयोजन अब यह खंडन नहीं कर रहे हैं पहले तीनों का प्रयोजन वर्णन करेंगे फिर इन प्रयोजनों का पूर्व खंडन करेगा फिर सिद्धांत उसका जवाब देगा। मातिथिका अकार लोपे कृत है सुसुक्तांतात् कहा यदि का देश प्राप्नोति स्थानीय भावात न भवती स्थानीय भाव से प्राप्त नहीं हो रहा क्या हुआ यहाँ पर मथित शब्द है ना मातिथि का मथित मातिथि का पहले मथिता मथितेन निर्वृत्तम या मथितेन निर्मितम या मथितेन संस्कृतम ये सब व्यवहार होता है तस संस्कृतम के आधार पर जाए जैसे मथित के द्वारा संस्कारित कर दिया फिर किसी चीज़ को बना दिया तो यहाँ पर उत्तर से बन जाएगा मथिता शब्द से तस संस्कृतम अधिकार में ठक हो गया ठक को एकादेश हो जाता है इस सूत्र से और ये रूप बन जाएगा। यहाँ पर जो है एकादेश होने के बाद मथिता शब्द का अलोप हुआ है वो अलोप को स्थानित भाव करेंगे तो इस वक्त तांतस का आदेश तभी होगा ना तांत मिलेगा यदि अलोप को स्थानित भाव करूँगा तो तांत नहीं मिलेगा और पूरे विधिकरण से क्या लाभ हुआ विधिकरण के प्रयोजन दिखा रहे हैं ना यहाँ पर आपको यहाँ विधि शब्द के प्रयोजन दिखा रहे हैं यदा तस्य इक इति संघात ग्रहण तदा स्थानीय भावात इकस्य कादेश प्राप्नोति वर्ण निर्देश है तो अल्विधित्वाद कादेशस्य प्रसंग और वर्ण निर्देश पक्ष में तो क्या होगा अल्विधि मान करके कादेश की अप्रसक्ति है सन्निपात परेशान चनाश्रित उत्तम और सन्निपात परेश के आश्रय किए बिना ही यह बात यहाँ कह समाधान कह दिया गया है। ठक छसौर वार्तिक भाषा स्पष्टम अथित शब्द है आपने ठक कर दिया कैसे इका आएगा इका आएगा तो अकार लोप हो गया तकारांत हो गया इस उस का प्राप्त होने लगेगा तो इक के स्थान में इक नहीं होगा क होगा क हो जाएगा तो उसी के लिए वापस स्थानीय भाव करने से क्या हो जाता है पुरस्माद पुरस्माद विधि पुरस्माद पर विधि हो जाएगा अकार को स्थानीय भाव करने का लाभ करने से वो अदंत हो जाएगा इक ही रह जाएगा ये इस तरह से लाभ दिखा रहे हैं। तो अपी पचन निधि एक और दे रहे हैं अपी पचन निधि एकादश कृते अभ्यस्ता जे जुस भवती थी जुस भाव प्राप्त होती सन भावत न भवती थी अपी पचन में क्या हुआ अपी पचन से निच हुआ है निच को लुंग लकार में चंग और अंति झी के स्थान में बचा है अपी पचन यहाँ पर एकादश कृते या चंग के आकार चंग का आकार है और अंति के जो आकार थी उस आकार का आपने प्ररूप कर दिया प्ररूप एकादेश कर दिया है उसको लेकर कर प्ररूप एकादेश करते अभ्यस्ता झेर जुस से जब व्यस्त विधि भ्यस्त सूत्र से जी को जुस हो जाता है
इति जिस भाव प्राप्त थे, जिस भाव प्राप्त हो जाएगा, कैसे पराजित भाव कर दो, एकादेश हुआ है ना, एकादेश को पराजित भाव कर देंगे, वो अन्न जो बचा वो पूरा क्या होगा, जी रहेगा, वो जी को जोश हो जाएगा, तब हम कहेंगे निस्तानित भाव कर दो। क्यों? पुरस्मात परविधि, पुरस्मात परविधि है यहाँ, स्थानीभूत अच कौन था, स्थानीभूत कौन है, चंग के आकार जिसको आपने पर रूप एकादेश किया है वो स्थानीभूत अच है, उसके पर में जी को जुस होना है यहाँ, चंग के आकार था अंति का अन्न बचाए वहाँ वो आकार है, इन दोनों को आपने तो गुणे से पर रूप एकादेश कर दिया, ये जो पर रूप एकादेश किया इससे क्या होगा, उसमें एकादेश होने से पराजित करूँगा तो अन्न बचेगा, वो अन्न को हम जी मान के जुस कर देंगे, ये प्राप्त हो रहा है। इसे रोकने के लिए क्या करना है, पुरस्मात ही कह दो, तो पुरस्मात भी कहेंगे स्थानीय दक्ष कौन हो गया, चंग का आकार जिसको अपने पर रूप एकादेश किया उससे पर में जी को जो सोना प्राप्त हुआ उस स्थिति में स्थान हो जाएगा। इस तरह से पूर्व विधि में विधि शब्द देने से दो समास आया, पुरस्मात विधि समास निकला, उसमें से यहाँ पर स्थान हो जाएगा तो रूप रूप बन जाएगा, जुस नहीं होगा। अपी पचनी थी जे है इतश्चितिकार लोपे कृते एक देश कृत मन नित्वाई जे रेव यम जी माना जाएगा तत्र अंतादेश कृत है चंगकार से प्ररूप कृत, उसको अंतादेश कर दिया उसके बाद चंगकार से प्ररूप कर दिया, तस्य आद्योद्भाव आदि आद्योद्भाव कर देंगे तो जुस प्राप्त से जुस हो जाएगा। स्थानिक भाव है तो नीलोप से प्ररूप से जब व्यवधान तो किसी को भी स्थान भाव कर लो, प्ररूप को भी स्थान भाव कर सकते हैं, ये नीलोप हुआ उसको भी स्थान भाव कर दो तो भी काम हो जाएगा। भावाद व्यवध भाविता न भवती अनुपूर्वस्मा विदो स्थानित भावे खत्म हे गौरित्यादि सिद्ध्यति, तब दो शोच को लाया पूर्वाला हे गहू में, यहाँ पर क्या है पुरस्मात पर है ना, सुख लोप परकारी है, फिर वहाँ स्थान पर हो जाएगा, फिर सुख लोप हो जाना चाहिए, कथम सिद्ध्यति उच्यते अच्छो यह पूर्वा तस्मात निमित्तत्वेन आश्रिता इति आश्रयणात्, क्योंकि वहाँ पर भी यही अर्थ करेंगे आप, अच्छा प्रश्न पूछोगे अच्छा हा? स्थानीय भूता परिमित गजादेश हो, परिमित जो आदेश है उसका स्थान जो तब होता है जब स्थानीय भूत अच से पर में कार्य करना है, ये तो अच्छा परस्माद ये आप लोगे, आप पुरस्माद परा में तब लोगे तो दोष आएगा, तब तथा ही गो शब्दे ओकार पूर्व गकार न च तस्माद अत्र सिद्धिरस्ति, ओकार से पूर्व में क्या है वह गकार है वो अच्छ नहीं है वहाँ इसलिए प्राप्त ही नहीं होगा। नैतानि संधि प्रयोजनानि तीनों प्रयोजन का एक साथ खंडन करने के लिए पूर्व पक्षी कहता है, इन प्रयोजन को लेकर के विधि शब्द लेना और पूर्व समाज विधि ऐसे पंची पक्ष के लिए विधि शब्द ग्रहण करना चाहते हो ये उचित नहीं है। प्रातिदिक निर्देश होया कि इन सब जगहों में प्रातिपदिक निर्देश है, कह दिया कहाँ पूर्व शब्द ऐसे सूत्र करो ना आचा परस्मिन पूर्व, पूर्वस्य नहीं बोलना, पूर्व विधि समास करके पूर्व से विधि पूर्व विधि या पुरस्माद विधि ये सब कर रहे थे ना, केवल पूर्व शब्द कह दो रख दो, विभक्ति बोलो ही मत, सब विभक्ति या लुक कह दो छांदस या अविभक्ति निर्देश, सर्व विभक्ति लुक या अविभक्ति निर्देश करके केवल प्रातिपदिक का पाण्य कह दिया वहाँ पर अच्छा परस्मिन पूर्व सूत्र बना दिया, तब उस पूर्व काम कोई भी अर्थ ले कुछ भी अर्थ ले सकते हैं, पुरस्वी अर्थ ले सकते हैं पुरस्माद भी अर्थ ले सकते हैं, अर्थ प्रदान हो गया अभी, ये भक्ति न होने से केवल प्रातिपदिक होने से विवक्षित अर्थ प्रदान हो जाता है, वही कह रहे हैं प्रातिपदिक निर्देश तो प्रातिपदिक निर्देशास्त्वर्थ तंत्र भवंती और प्रातिपदिक मात्र का जहाँ निर्देश हुआ है वह अर्थ प्रदान हो जाता है, न कांचित प्राधान्य विभक्ति आश्रयती किसी विभक्ति को प्रधान रूपण आश्रय करेगा ही नहीं, तत्र प्रातिपदिक अर्थ निर्देश याम यम विभक्ति आश्रितम बुद्धि रूप जायते सास आश्रितव्या, इसलिए लक्ष्य का अनुरोध के आधार पर प्रातिपदिक में जो जो अर्थ आपको निर्देश करना इष्ट होगा उन विभक्तियों का अपने आप अध्ययन करके व्यवहार कर सकते हैं, अतएव पुरस्माद व्यर्थ निकल जाएगा पुरस् व्यर्थ निकल जाएगा सब कुछ अर्थ निकल जाएगा, केवल प्रातिपदिक निर्देश कर दो विधि शब्द की जरूरत नहीं है, तब कहते इदम तरी प्रयोजना फिर ऐसा प्रयोजन समझो विधि मात्रे स्थानीय यथास्यात् विधि मात्र में स्थानीय भाव यथा हो अनाश्रियमाणायामपी प्रकृतो प्रकृति के आश्रय की बिना भी जहाँ कहीं विधि मात्र को आश्रय करके स्थानित भाव होता है वहाँ निषेध करने के लिए विधि शब्द की अत्यंत आवश्यकता है। वायु वो हो अध्वर्य वो हो इत्यादि में देखो वायुधन ओस
वायुधन ओस, ओस में ओकार के प्रति उको क्या हो गया यण, वायुओस बना, वकार को वल मान करके एकार लोप की प्राप्ति है। और यहाँ न प्रातिपदिकार से कोई लेन देन है, न विभक्तर से कोई लेन देन है, ऐसे सूत्र कार्य में जरूरत है। यह हुआ क्या है, लोपो व्योरवली इति यलोपो मा भूत, लोपो व्योरवली यलोप न होवे, इसलिए विधिकरण करना जरूरी है। विधि मात्र इति अचपरस्मिन् पूर्वस इत्यनेन स्थानिभाव विहिते पुनर्विधौ इति वचन नियमार्थम स्थानिवद एव तस्यात् माभूत स्वाश्रय में तीर्थ, स्थानीय में ही होगा और आश्रय में स्वाश्रय में नहीं होगा, यह अर्थ लेने के लिए कहो। अनाश्रय माणायाम कार्य निमित्तत्वेन, कार्य में निमित्तत्वेन जब इनको आश्रय नहीं करते हैं तब पूर्वे थी लुप्त विभक्ति का, देखो उद्योतकार कहते हैं पूर्व शब्द में क्या समझना, लुप्त विभक्ति अर्थात चार पद वाला अलग सूत्र बनेगा। अच्छा परस्मिन पूर्व अलग पद है, विधौ अलग पद, ऐसे करना पड़ेगा, ये पूर्व पक्ष का कहना है, तब भी काम चल जाता है। अस्ति प्रयोजन में तत्, तब सिद्धांत के देने जो हमने प्रयोजन बताया वो प्रयोजन जरूर है, किंतु री ये कैसा है भाई, कहते अपर विधा विदित वक्तव्यम, आक्षेप बाद भाष्यवार्तिक सिद्धांत वार्तिक है ये, कहते अपर विधव कह दो, पूर्व शब्द भी हटाओ, अपर विधौ कह देने से भी काम चलेगा, ऐसा वार्तिक कर कहेंगे, भाष्कर उसको नहीं मानेंगे, भाष्कर नहीं नहीं जरूरत नहीं, अपर विधौ कहेंगे आगे कहेंगे। इति तो वक्तव्य किम प्रयोजन स्वविधौ अपि स्थानित भावता स्यात्, ये देखिए लाभ क्या होगा, स्वविधौ स्थानित भाव हम जिसका कर रहे हैं उसके पूर्व भी नहीं उसे पर जैसे आपने लिए इट उसमें भी नहीं, स्व में ही कोई विधि करना है तो भी स्थानित भाव करना इष्ट है, उसके लिए भी जरूरी है। भाष्य स्व शब्द है ना, स्थानीय आदेश से उच्चत है, भाष्यकार ने जो स्व स्थानित भाव स्वविधो अपि जो कहा है ना, स्व में क्या लेना, स्व से स्थानी भी लेना आदेश भी लेना, जो उनके स्थान में कार्य करना हो तो भी स्थानित भाव होगा, उसे पर में करना हो तो है, उसे पूर्व में करना है, उसके स्थान में करना हो तो भी लेना है, उसके लिए ये कहना जरूरी है। कहानी पुनः स्वविधो स्थानित भाव से प्रयोजनानी, कौन से हैं वो स्वविधि में स्थानुभाव करने का प्रयोजन होंगे, कहते आयन आसन धिनवंती कृणवंती दध्यत्र मध्वत्र चक्रतु चक्रुः इत्यादि दृष्टान्त दिया है, इनका कहाँ कैसे विचार देखेंगे।